अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश। सीट शेयरिंग से पहले संजय राउत का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सांसद संजय राउत ने कांग्रेस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर देश में कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं होता। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन बीजेपी को ये बातें समझ नहीं आएंगी। वो भाजपा व्यापारियों और उद्योगपतियों का विचार करते हैं। अगर बीजेपी न होती तो कई बातें होती। इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता, देश पर जो कर्ज है वो कम होता। 9 सीटों पर फंसा पेंच। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सूत्रों की माने तो राज्य की 48 सीटों में से 9 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इस सीटों पर समझौता नहीं हुआ है, इसलिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का भी ऐलान नहीं हो पा रहा है। एमवीए के बीच जिन 9 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उनमें विवादास्पद सीटों में कोल्हापुर, सांगली, मुंबई उत्तर पश्चिम, रामटेक, वर्धा, भिवंडी, यवतमाल, वसीम और गोंदिया भंडारा शामिल है। एमवीए के बीच जिन 9 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उनमें विवादास्पद सीटों में कोल्हापुर, सांगली, मुंबई उत्तर पश्चिम, रामटेक, वर्धा, भिवंडी, यवतमाल, वसीम और गोंदिया भंडारा शामिल हैं। 5 चरणों में होगा चुनाव। बताया जा रहा है कि एमवीए में 20 सीटें कांग्रेस, 18 सीटें शिवसेना यूबीटी और बाकी की 10 सीटें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए है। वहीं प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी और महादेव जानकर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पाक के साथ भी बातचीत चल रही है। इन्हें 4 और 1 सीट की पेशकश की गई है। वहीं हाल ही में सीट शेयरिंग में देरी होने पर प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिया था।